मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की मंडीदीप पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 12 पर HEG के सामने दोनों गांजा तस्करों को पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी शिवदयाल रायसेन देवनगर निवासी और दूसरा आरोपी चरण शाहगंज जिला सीहोर का निवासी है। यह कार्रवाई रायसेन SP मोनिका शुक्ला के निर्देश के बाद मंडीदीप थाना प्रभारी राजेश तिवारी की पुलिस टीम ने की है। कल रात्रि में मुखबिर की सूचना पर दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक पवन पाल है, निवासी देवनगर जिला रायसेन का। दूसरा चरण ओढ़ निवासी साहेगंज जिला सीहोर का है। और ये जो पवन है, ये उड़ीसा से गांजा लाया था और ट्रेन से भोपाल उतर कर मिनी बस से बैठ के मंडीदीप आया था। मंडीदीप में इसने चरण को बुलाया था कि गांजा प्राप्त कर ले वो, और मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 5 किलो गांजा लगभग 1 लाख रुपये कीमत का जब्त करके NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।